आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि सी पैनल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस जो कि वर्डप्रेस के लिए फाइल मैनेजर और डेटाबेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि सी पैनल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस जो कि वर्डप्रेस के लिए फाइल मैनेजर और डेटाबेस के बारे में। तो किस तरह से आप डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट करेंगे या देखेंगे वहाँ पे किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो डेटाबेस और फाइल मैनेजर के अंदर सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली ही मैनेज हो जाती हैं। जस्ट आपको सिंपल क्लिक इंस्टॉल करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। लेकिन वो जगह मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं आप। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ऑप्शन है हमारे पास ये फाइल मैनेजर का। और इस सी पैनल में देखेंगे तो फाइल मैनेजर, ऑनलाइन फाइल मैनेजर, मतलब नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम ही काम है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको और इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोनों का जो ऑप्शन होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। देखिए इंटरफेस सेम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन है मॉन्स्टा का इनके पास, लेकिन यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे देखें तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ज़्यादातर चलता है वो ये वाला इंटरफेस चलता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको मैं कटआउट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें कुछ फोल्डर्स हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब फाइल मैनेजर के अंदर आप डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट डाटा रख सकते हैं। जिस तरह से आप एक यूएसबी फाइल को यूज़ करते हैं, यूएसबी फ्लैश को यूज़ करते हैं या मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं या कोई और, उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स और डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट डाटा, तो इस यहाँ पे भी ये सेम ही चीज़ है, डिस्क स्पेस है। आप इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर बना सकते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पब्लिक HTML है और इसके अंदर सारी फाइल्स हमारी होंगी वर्डप्रेस की। और यहाँ पे अभी देखें कोई फाइल नहीं है, ये बेसिक सी फाइल्स हैं जो कि सिस्टम की अपनी फाइल्स हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस की कोई फाइल अभी तक अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह अगर मैं वापस जाऊँ और यहाँ पे देखूँ जैसे, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको वाजी कर दूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास पाथ नज़र आ रहा है कि हम कहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं अगर CGI बिन को खोलूँगा तो देखें मैं फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML और पब्लिक HTML के अंदर CGI बिन वाले फोल्डर में मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अगर मान के चलें बैक लेके जाता हूँ तो यहाँ से देखें ऑप्शन अप वन लेवल स्टेप, तो मैं वापस आ गया। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, डाउनलोड करना चाहता हूँ डाउनलोड कर सकता हूँ, इसको मूव कॉपी, एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से नया फोल्डर बना सकता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, रीनेम या एडिट करना चाहता हूँ, तो यह सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट, बेसिक। और अगर लेट्स सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ पे देखें, और मैं इसको मज़ीद दोबारा से रिस्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ से ट्रैश का ऑप्शन है और मेरे पास ये ऑप्शन है, और इसको मैं ऑप्शन मतलब सिलेक्ट करके और इसको वापस मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखें रिस्टोर का ऑप्शन में चला जाऊंगा और वापस अगर पब्लिक HTML में जाऊं तो वो फाइल वहीं पर मौजूद होगी। तो इस तरह के ये बेसिक से ऑप्शंस हैं और इसके अंदर जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो तमाम फाइल्स इस पब्लिक HTML के अंदर आ जाएंगी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था फाइल मैनेजर का, मज़ीद आगे हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि फाइल मैनेजर क्या है एक्चुअल में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं, मतलब हमारे वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे मौजूद होंगी। ओके, अगर हमारी वर्डप्रेस के साथ मतलब हमारा होस्टिंग प्लान ऐसा है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेबसाइट्स आप मैनेज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको मज़ीद और फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे। लेट्स सपोज आपकी पहली डोमेन है XYZ तो वो पब्लिक HTML के अंदर होगी, दूसरी वेबसाइट है ABC तो उसका अलहदा से यहाँ से फोल्डर होगा ABC, उसको खोलेंगे उसके अंदर उस ABC वेबसाइट की तमाम फाइल्स मौजूद होंगे, तो तमाम फाइल्स आपकी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम चलते हैं वापस और यहाँ पे देखें डेटाबेसिस का पूरा सिस्टम है। अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा MySQL डेटाबेसिस और यहाँ पे सिंपल मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैं अपना उस डेटाबेस का नाम दूँगा, क्रिएट कर दूँगा, और फिर सिंपल डेटाबेस को असाइन करना चाहूँ और यहाँ पे देखें यूज़र नेम को, यूज़र को यूज़र बनाना चाहूँ उस डेटाबेस का तो यहाँ से यूज़र बना सकता हूँ। तो वो बेसिक से काम है जो कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ डेटाबेस के रेलेवेंट। और यहाँ पे हमारे पास इसका PHP MyAdmin अवेलेबल है। अब इस PHP MyAdmin के अंदर हमारी वेबसाइट्स के सारे डेटाबेस मौजूद होते हैं, राइट।
लेकिन राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मे बी यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही डाटाबेस भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए इस साइड पे डाटाबेस नज़र आते हैं हमें। तो इन चीज़ों से आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये बेसिक सी चीज़ है, आगे चल के आपको सारे चीज़ें समझ आ जाएंगी। जस्ट मैं आपका एक माइंड बिल्ड कर रहा हूँ, सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मज़ीद आगे इस कोर्स को लेके चलते हैं। तो आई होप आपको बेसिक समझ आ चुका होगा। अभी हम बहुत ही बेसिक पे काम कर रहे हैं और आगे चल के आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।